श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा हमारे दैनिक राशिफल में काफ़ी महत्व रखते हैं। ढाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं, उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है। चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। इस समय में कर्म कम और लाभ ज़्यादा के योग बन रहे हैं। इस समय में आपको भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है। इस समय में आपका हर काम भाग्य के भरोसे पूरा भी हो सकता है। इस दिन आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगी। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप जोश से भरे रहोगे, हर काम को समय पर पूरा करोगे। रुके हुए पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए ये सही समय है। इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा और दाम्पत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। कम समय में आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। इस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपके मन मुताबिक दिन व्यतीत करने का मौका आपको इस समय में मिल रहा है, उसका लाभ जरूर उठाए और जीवन के हर पल का पूरा आनंद ले। ये समय स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इस दिन आप फिट रहोगे, पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे, मन में प्रसन्नता रहेगी और एनर्जी से भरपूर दिन रहेगा। किसी पुरानी स्वास्थ्य परेशानी से परेशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है। इस दिन पीले रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुभ अंक रहेगा 3 अंक। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।